सुनो तारा तू बेताला सुधरे मर घट पे अरे रोवे ताना कुमारी न मेरो है नहीं तू नारी हमारे हमारे रिश्ते तो उसी दिन से टूट गए थे। कौन से दिन से काशी में नहीं बिके छोटे सब नाते करे नौकरी शपथ धरे हम रहते दूसरी जगह ले। तारा बोली महाराज अगर एक टका की बात है तो आपको जहां से भी दिखाई देता हमसे एक टका ले। अब हरिचंद्र ने सोचा कि रानी तारा के शरीर पे जो आधी साड़ी बची है चलो एक टका के बदले में हम वो आधी साड़ी खींच ले रहे हैं। और जो रानी तारा के शरीर से आधी साड़ी खींची तारा निर्वस्त्र हो गई। शर्म की वजह से रानी तारा भाग करके एक मंदिर में जाकर के बेहोश होकर विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। फिर भाग एक मुर्दा बालक उठा लाए रानी तारा के पास में लिटा दिया तारा के मुंह से खून लगा दिया। फिर काशी की गलियों में भाग पड़ी आवाज लगा दी काशी के लोगों मंदिर में का डाइन आई है डाइन उसने किसी के बच्चे को खा लिया है अगर उसे मारोगे नहीं हो सकता है कल किसी दूसरे बच्चे को मार दे। ये बात उस मेहतर के पास में पहुंची तो मेहतर ने जवाब दिया हरिचंद हाथ में तलवार उठाओ मंदिर में जो डायन आई है उस डायन को जाकर के मार दो। तलवार लेकर के हरिचंद जब मंदिर में पहुंचे तब तक वहां रानी तारा को होश आ गया और जो हरिचंद ने देखा तारा तुम ये काम तुम कब से करने लगी हो जब तुम्हारा लड़का मर गया तो अपने बच्चे के वियोग में तुम दूसरे के बच्चों को भी मारने लगी हो। तारा बोली महाराज इस बच्चे को हमने नहीं मारा है हमें मालूम भी नहीं लड़का मेरे पास में कहां से आ गया है। तो हरिचंद बोले माफ करना तारा मुझे आदेश मिला है तुम्हें मारने का। बोली अगर आपको आदेश मिला है आप हमें मार दो मार दो। तारा को मारने के लिए जैसी तलवार ऊपर उठाई हरिश्चंद्र ने